नमस्कार दोस्तों, टेक में गुरुजी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक नया फॉर्म IBPS क्लर्क का। जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे, IBPS क्लर्क का फॉर्म आ चुका है और उसके अप्लाई करने की डेट भी आ चुकी है। उसकी अप्लाई करने की डेट 18 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। और अब जैसा कि आप जान रहे हैं, उस फॉर्म को कहाँ से भरना है, मैक्सिमम लोग उसे sarkaririzult.com से भर देते होंगे। बट मैं आपको एक ऐसे साइट के बारे में बताऊंगा जहाँ से उस फॉर्म को आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरी फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एकदम आपको लाइन बाय लाइन क्लियरली आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ उस साइट पे जहाँ से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे आप चले जाइए सर, गूगल में जाएंगे आप। पहले गूगल में आपको टाइप करना है, जैसा कि आप लोग फॉर्म भरते समय टाइप करते होंगे, सरकारी रिजल्ट। बट यहाँ पर आप सरकारी रिजल्ट से ना करके आप इसे खोलिए sarkarexam.com से। दोस्तों, sarkarexam.com को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से कॉन्टेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, न्यू अपडेट्स के, एडमिट कार्ड के, टॉप ऑनलाइन फॉर्म के, एग्ज़ाम रिजल्ट के। तो दोस्तों, आप यहाँ से जो है बिना कुछ जाने समझे जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आप IBPS क्लर्क का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से नोटिफिकेशन दिया हुआ है, फुल्ली नोटिफाइड होता है, कोई चीज़ इसमें मतलब फर्जी नहीं होती है। जो चीज़ें आपके सामने दी जाती हैं वो एकदम रियल की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसकी स्टार्टिंग डेट 18 सितंबर 2018 से हुआ है और लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2018 है। जनरल ओबीसी की फ़ीस 600 रुपये रखी गई है। मैक्सिमम बैंकों की फ़ीस 600 रुपये ही रखी जाती है जनरल ओबीसी के लिए। SC ST की फ़ीस 100 रुपये है दोस्तों। तो यहाँ से आप अपनी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे आइए और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी अब की बार जो है IBPS क्लर्क की वो 7275, 7275 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। तो इसलिए बहुत पोस्ट है, टेंशन की बात नहीं है। आप आराम से इसको ओपन कीजिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए पूरी तरह से। और कैटेगरी वाइज अगर आप पोस्ट देखना चाहते हैं तो जनरल की पोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे दी हुई है, 3852 है। OBC की 1673 है, SC की 1183 है और ST की 577 है। अगर स्टेट वाइज डिटेल आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सब दिया हुआ है एकदम, आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, असम, सबका दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 944 पोस्ट खाली हुए हैं। तो आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए यहाँ से। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है, सब प्रोसेस में लाइन से आपको दिए हुए हैं, क्या क्या फ़ोटो के साइज़ क्या होगी, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, थंब इंप्रेशन कौन सा लगेगा, और जो है आधार कार्ड नंबर तो आपका लगता ही है, तो कंपलसरी अब तो हर फॉर्म में हो चुका है। यहाँ से आप रजिस्टर देखिए, यहाँ पर आपको कितने सेक्शन मिल रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो प्रीवियस ईयर पेपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है देखिए, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, बैंक जो रिसेंटली बैंक एग्ज़ाम हुए हैं उन सब की डिटेल मिल जाएगी, जिस लैंग्वेज में आप चाहेंगे लैंग्वेज मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप्स की मैगज़ीन देखिए, हर मंथली मैगज़ीन यहाँ पे अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, जैसी ये साइट है सरकारी एग्ज़ाम, आपको ऐसी साइट दूसरी कोई नहीं मिलेगी मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आज तक मैं देख रहा हूँ कोई भी साइट इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जो है प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू दोस्तों। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर